सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू, स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आप लोग के डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं आप लोग रतन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट यानी कि बहुविकल्पी क्वेश्चंस को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आप बहुविकल्पी पढ़ोगे वो बहुत ही आसानी से आपको लर्न भी हो जाएंगे और हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों, यहाँ पर ये पूरे चार पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम आपका पहला पार्ट पढ़ने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से 50 तक हम यहाँ पर पढ़ेंगे और बाकी के क्वेश्चन हम अगली वीडियोज में देखते जाएंगे। तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि आप इसको चार पार्ट में पढ़ने वाले हैं, चार पार्ट में आप इसको पढ़ेंगे, तो आज यहाँ पर हम फर्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को। अतले उत्तरी क्वेश्चंस भी मैंने पढ़ा दिए हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। तो आपको पता है कि हम लोगों ने पूरा कोर्स आपका कंप्लीट करा दिया है, फर्स्ट पेपर का बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया। मैंने खुद अपने हाथों से लिख करके नोट्स बनाए हैं आप लोगों के लिए, और ये नोट्स आपके यूपी टेट और सी टेट सुपर टेट सभी में काम आने वाले हैं, इनको आप संभाल के रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज को। क्वेश्चन नंबर 1 है, सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? सामाजिक अधिगम सिद्धांत किसने दिया था? बंडूरा ने, कॉमोस्की ने, फ्रॉबेल ने या नन ने? दोस्तों, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया था बंडूरा ने, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन आ जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है? कॉमोस्की, जॉन ड्यूबी, स्किनर या फिर गुड? दोस्तों, यहाँ पर कॉमोस्की की जगह आपको चॉमोस्की भी मिलेगा, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बहुत जगह पर आपको चॉमोस्की ही देखने को मिलेगा, तो चॉमोस्की भी याद रखिएगा। भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, कॉमोस्की या चॉमोस्की, इसमें दोनों में से जो भी ऑप्शन उसमें दिया होगा उसको आप सही लगा दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है? फ्रॉबेल, जॉन ड्यूबी, स्किनर या फिर गुड? तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा जॉन ड्यूबी, ऑप्शन नंबर 2 जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक विकास के सिद्धांत के जनक कौन है? सामाजिक सांस्कृतिक विकास सिद्धांत किसने दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइगोत्स्की, जीन प्याजे, पाओलो या फिर थॉमसन? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, वाइगोत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक विकास का सिद्धांत। तो याद रखिएगा, जब भी सांस्कृतिक शब्द आपको दिखेगा आपको तुरंत वाइगोत्स्की याद आना चाहिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं, जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। लैब विद्यालय को ही हम क्या कहते हैं, प्रगतिशील विद्यालय कहते हैं। अभी आपने क्वेश्चन नंबर 3 में देखा है, प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिपादक कौन है, जॉन ड्यूबी, इसे हम लैब विद्यालय भी कहते हैं। प्रगतिशील विद्यालय को ही हम क्या कहते हैं, लैब विद्यालय भी कहते हैं। तो जॉन ड्यूबी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरणों में कौन है, प्रगतिशील विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं, थर्स्टन तथा लिकर्ट निम्न में से किसके मापन से संबंधित हैं? तो उन्होंने किसका मापन किया था, बुद्धि, अभिवृत्ति, मूल्य या फिर व्यक्तित्व? तो राइट आंसर यहां पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, अभिवृत्ति। क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं, बुद्धि का तरल मौजिक मापक किसने दिया था, या बुद्धि का तरल मौजिक सिद्धांत किसने दिया था? तो तरल यानी कि लिक्विड, और लिक्विड को हम किस में रखते हैं, अगर लिक्विड की बात करें तो चाय क्या है, लिक्विड है। चाय को हम किस में रखते हैं, कैटल में। तो यहां पर आप देखिए, बुद्धि का तरल मौजिक सिद्धांत किसने दिया था, कैटल ने दिया था। तो तरल शब्द आप जहां पर देखोगे आपको तुरंत कैटल की याद आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं, 16 PF का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया, तो इसका फुल फॉर्म क्या है? तो 16 PF का जो फुल फॉर्म है वो क्या है दोस्तों, 16 PF परीक्षण, यानी कि 16 personality factor। तो यहाँ पर आप देखिए 16 personality factor, तो यहाँ पर पर्सनैलिटी का मतलब क्या होगा हिंदी में, व्यक्तित्व। तो यहाँ पर याद रखिएगा, 16 PF परीक्षण का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, व्यक्तित्व के मापन के लिए, ऑप्शन 2 जो है ये राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम, सक्रिय अधिगम, पारस्परिक शिक्षण या संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पारस्परिक शिक्षण। क्वेश्चन नंबर 10 है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन ड्यूबी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन 1 है, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए ना कि सुनना चाहिए।
ब है मारना चाहिए, स है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, या सभी। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर स, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए, और सक्षम कौन बनाएगा? शिक्षक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखाता है, यानी कि इसमें से कौन है जो मानसिक विकार के लक्षणों को नहीं दिखा रहा है, यानी कि बच्चा मानसिक रूप से डिस्टर्ब है, परेशान है। तो यहाँ पर आप देखिए भग्नाशा, तनाव, चिंता, ये सभी क्या है? ये सभी मानसिक विकार के लक्षणों को दिखाते हैं कि बच्चा बहुत परेशान है, किसी चीज को लेकर के टेंशन में है, लेकिन जो संबंध है यह मानसिक विकार को नहीं दिखाता है, रिलेशन। ऑप्शन नंबर सात जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की अंतिम अवस्था निम्न में से कौन सी हो सकती है? शल्य चिकित्सा, कवि, वाचक या राजनीतिक नेता। तो शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चों की जो अंतिम अवस्था है वह हो सकती है शल्य चिकित्सा। ऑप्शन नंबर आ जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। श्रवण बाधित का मतलब क्या हुआ? ऐसे बच्चे जिन्हें सुनने में प्रॉब्लम होती है, जो सही से सुन नहीं पाते हैं। तो ब्रेल लिपि, सांकेतिक भाषा यंत्र या सभी। तो हम ब्रेल लिपि का यूज किसके लिए करते हैं? ऐसे बच्चों के लिए करते हैं जिनको देखने में समस्या है, यानी कि ऐसे बच्चे जो देख नहीं पाते हैं उनके लिए ब्रेल लिपि है, लेकिन जो बच्चे सुन नहीं पाते हैं उनके लिए हम सांकेतिक भाषा का प्रयोग करके उनको हम पढ़ा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित है मॉडलिंग से, अनुकरण से, अभिसारी चिंतन से या अपसारी चिंतन से। तो सृजनात्मकता यानी कि जो क्रिएटिविटी है यह अपसारी चिंतन से संबंधित है। अपसारी चिंतन का मतलब है कि हर तरफ क्या होता है, इसका फैलाव होता है चारों दिशाओं में। तो ऑप्शन नंबर 10 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज की भाषा के लिए निहित है, एक भाषा, द्विभाषा, तीन भाषा या बहुभाषा। तो राइट आंसर है दोस्तों यहाँ पर तीन भाषा, ऑप्शन सा जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं, समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिससे बच्चे और वयस्क सीखते हैं, परिवार से, विद्यालय से, साथियों से या सभी से। तो जो समाजीकरण की प्रक्रिया होती है इसमें बच्चे परिवार से भी सीखते हैं, विद्यालय से भी सीखते हैं, साथियों से भी सीखते हैं और सभी से सीखते हैं। तो ऑप्शन द जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता हैं। बुद्धि लब्धि मापन के जन्मदाता कौन है? स्टर्न, विने, टर्मन या फिर कोई नहीं। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर स, टर्मन। क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं, जड़ बुद्धि वाले बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो जड़ बुद्धि वाले बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है दोस्तों वो होती है 71 से कम। तो ऑप्शन नंबर द जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं, यदि एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष तथा वास्तविक आयु 4 वर्ष है तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? एक बच्चे की मानसिक आयु 5 वर्ष है और वास्तविक आयु 4 है, तो IQ बराबर क्या होता है? बुद्धि लब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो मानसिक आयु 5 है, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100। तो यहाँ पर हम 4 से काट देंगे 100 को, तो यहाँ पर आ जाएगा 25, और 25 × 100 = 125। तो उस बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी हो गई? 125। क्वेश्चन नंबर 20 है, अगर आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? आपकी कक्षा के कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ, उच्च कक्षा के साथ, समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ या जब वे चाहें। तो आपकी कक्षा में अगर 30 बच्चे हैं, 30 में से 5 बच्चे ऐसे हैं जो बहुत मेधावी हैं, जो बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, तो आप उनको कैसे पढ़ाएंगे? कक्षा के साथ और इसके साथ साथ समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ। तो कक्षा के साथ तो वो बच्चे पढ़ ही रहे हैं, जो बच्चे आपके बहुत ज्यादा मेधावी हैं आपकी कक्षा में, तो इन बच्चों को हम कैसे पढ़ाएंगे? इनको हम समृद्धिकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही है। तो हम उनको कक्षा के साथ तो पढ़ा ही रहे हैं, लेकिन जो मेन चीज यहाँ पर पूछी गई है कि आपकी कक्षा में कुछ छात्र मेधावी हैं, आप उनके लिए क्या करेंगे, यानी कि आप उन्हें किस प्रकार पढ़ाएंगे? तो किस प्रकार हम उन बच्चों को पढ़ाएंगे? समृद्धिकरण कार्यक्रमों के साथ पढ़ाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही है। कक्षा में तो वो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन उन्हें कुछ अलग भी हमें कराना पड़ेगा, इसीलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 7 जो है ये बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 है, निम्न में से कौन सृजनात्मकता से संबंधित नहीं है? मौलिकता, प्रवाह, मितव्ययिता या उपयोगिता। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सा, मितव्ययिता। क्वेश्चन नंबर 22 पर आते हैं, वॉटसन ने प्राथमिक संवेगों के सिद्धांत के अंतर्गत शिशुओं के भीतर जन्म से विद्यमान कितने संवेगों को बताया? तो वॉटसन ने
तीन संवेग बताए हैं तो ऑप्शन नंबर ब जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 पर आते हैं, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत, इसके प्रतिपादक हैं स्पीयरमैन। तो ऑप्शन नंबर 7 जो है वो सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं, किशोरावस्था को किस विद्वान ने गंभीर उथल पुथल की अवस्था कहा है? तो किशोरावस्था को किसने कहा है उथल पुथल की अवस्था? स्टैनले हॉल, क्लार्क, बेबर या विलियम जेम्स? राइट आंसर है स्टैनले हॉल। 2015 में भी पूछा गया है, 18 में भी पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं, अनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, केंद्रक, जीन्स या सिरा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, जीन्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण व्यक्तित्व का मापन करता है? भाटिया बैटरी परीक्षण, टीएटी परीक्षण, स्टैनफोर्ड विनय परीक्षण या क्रूडर प्राथमिकता प्रपत्र? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, टीएटी परीक्षण, यानी कि थीमेटिक अपरेंट टेस्ट, यह है व्यक्तित्व का मापन करता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 पर आते हैं, एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया जिसमें बालक व्यक्ति किसी भी परिस्थिति का सामना करने अथवा किसी समस्या का समाधान करने में अपने पूर्व अनुभव का प्रयोग करता है, कल्पना, आत्मसाधन, समंजन या चिंतन? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर द, चिंतन। क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं, वह मानवीय योग्यता जिसके द्वारा व्यक्ति किसी नवीन रचना या विचार को प्रस्तुत करता है कहलाता है? 2015 में पूछा गया है, 16 में पूछा गया है, 18 में पूछा गया है। तो उसे हम क्या कहते हैं? सृजनात्मकता, प्रत्यक्षीकरण, प्रक्षेपण या उदात्तीकरण? राइट आंसर है सृजनात्मकता कहते हैं इसको हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 पर आते हैं, कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग किया था? तो जो कोहलर का प्रयोग था वो किसके ऊपर था? आप सभी को पता है वनमानुष या चिंपैंजी, और उसका नाम क्या था? सुल्तान। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर 7 जो है वनमानुष, ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं, अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन क्या कहलाता है? तो अभ्यास और अनुभव के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन को ही हम क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 5 जो है ये सही हो जाएगा, और ये अधिगम की बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है। आप देखिए 15, 16, 17 लगातार 3 साल ये क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है, यह कथन किसका है? मैकडूगल का, स्किनर का, नन का या फ्रॉयड का? राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, फ्रॉयड का। क्वेश्चन नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? भूख, प्यास, आदत या नींद? तो आदत जो है ये समय के साथ बनती है, लेकिन जन्मजात प्रेरक यानी कि जन्म से ही बच्चे को भूख, प्यास, नींद ये उसको पता होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 है, असंगठित घर से आने वाले बालक सबसे अधिक कठिनाई का अनुभव करते हैं स्वयं पाठ को तैयार करने में, स्वतंत्र अध्ययन में, रोजगार के संदर्भ में या अभ्यास पुस्तिकाओं में? तो ऐसे बच्चे जो असंगठित घर से आते हैं, यानी कि जिनके घर में जिनके माता पिता के संबंध अच्छे नहीं है, या ऐसे बच्चे जिनके घरों में अक्सर कलह होता है, झगड़े होते हैं, तो ऐसे बच्चे स्वतंत्र अध्ययन में कठिनाई महसूस करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब जो है ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं, वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बालक को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? भावना और मनोभाव, संस्कृति और प्रशिक्षण, बालक का दृष्टिकोण या लक्ष्य और प्रयोजन? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ब, संस्कृति और प्रशिक्षण। क्वेश्चन नंबर 35 है, अपराधी बालक होते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जो शिक्षक के लिए सिरदर्द होते हैं, जो कक्षा में प्रथम आते हैं या जो समाज में रहना पसंद नहीं करते? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे बच्चे अपराधी बालक कहलाते हैं जो असामाजिक कार्य करते हैं, जैसे कि चोरी करना, झूठ बोलना, हिंसा करना, किसी को डराना, धमकाना, ये सब असामाजिक कार्य के अंतर्गत आते हैं। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 पर आते हैं, शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों में होता है डिस्ग्राफिया, डिस्कैल्कुलिया, डिस्मिथिया या फिर सभी? राइट आंसर है डिस्ग्राफिया, ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, विशिष्ट बालकों के अंतर्गत आते हैं, तो विशिष्ट बालकों के अंतर्गत पिछड़े बालक भी आते हैं, मंदबुद्धि बालक भी आते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी आते हैं? तो ऑप्शन नंबर द जो है ये बिल्कुल सही हो जाए। क्वेश्चन नंबर 38 है, साइजॉइड वर्ग में कौन से बालक आते हैं? मोटे, स्वस्थ तथा लंबे शरीर वाले, प्रतिभाशाली और प्रखर बुद्धि वाले, दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले या प्रतिभाशाली बालक? दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, प्रतिभाशाली बालक। क्वेश्चन नंबर 39 पर आते हैं, मानसिक स्वास्थ्य के नियमों को खोजना और उन्हें बनाए रखना अध्ययन का केंद्र बिंदु है, यह कथन किसका है? सैफर का, हेडफील्ड का, ड्रेवर का या लेडिक का?
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 7, ड्राइवर का, जेम्स ड्राइवर का कथन है ये, और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस प्रकार के बच्चों की शिक्षा हेतु सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चन को आपने इसी वीडियो में देखा है, किस प्रकार के बच्चों को हम सांकेतिक भाषा के द्वारा पढ़ाते हैं। ऐसे बच्चे जिनमें श्रवण दोषता, जिनमें सुनने की दिक्कत होती है, उन्हें हम सांकेतिक भाषा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाते हैं, यानी कि संकेत के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 41 है, बालक के कोशों एवं पेशियों में समय के साथ साथ होने वाला परिवर्तन जिसके कारण वह एक निश्चित समय पर कोई कार्य कर सकता है कहलाता है, परिपक्वता, अभिसरण, समंजन या प्रत्यक्षण। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, परिपक्वता। क्वेश्चन नंबर 42 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत के अंतर्गत कितने नियमों की चर्चा की है, या थॉर्नडाइक ने सीखने के संबंधित मुख्य कितने नियमों को बताया है, 2015 में और 16 में पूछा गया है। राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब, 3। इन्होंने 3 नियम दिए हैं सीखने के, और 3 नियम कौन कौन से हैं, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और प्रभाव का नियम। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाओलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया है, तो पाओलो ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन कुत्ते पर किया था, ऑप्शन नंबर 7 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, थॉर्नडाइक ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर किया था, तो उन्होंने किसके ऊपर किया था, बिल्ली के ऊपर किया था। आप सब देख सकते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, कोहलर के सीखने के सिद्धांत को किस नाम से हम जानते हैं, तो पूर्ण आकृति या समग्र सिद्धांत के नाम से भी इसको हम जानते हैं, समग्राकृति का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 है, व्यक्ति की वह मनोस्थिति जिसके द्वारा वह विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक और व्यक्तिगत समायोजन करने में समर्थ होता है कहलाता है, समंजन, मानसिक स्वास्थ्य, आत्मसातन या प्रकीर्णन। तो राइट आंसर है मानसिक स्वास्थ्य। क्वेश्चन नंबर 47 पर आते हैं, बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व है, बाल विकास की दृष्टि से, बाल शिक्षा की दृष्टि से, बाल विकास एवं बाल शिक्षा की दृष्टि से, या बाल समायोजन की दृष्टि से। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर है बाल मनोविज्ञान का सर्वाधिक महत्व होता है बाल विकास की दृष्टि से। तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही जाएगा, बालक के विकास को ही हम ध्यान में रखते हैं बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 48 पर आते हैं, किशोरावस्था बड़े ही बल, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है, तो यह कथन तो आपको याद ही हो गया होगा, यह कथन किसका है, यह कथन है स्टैनले हॉल का। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत, प्रयास और भूल का सिद्धांत किसने दिया है, सीएल हल, पाओलो, थॉर्नडाइक या वुडवर्थ, सभी को पता है राइट आंसर क्या है, थॉर्नडाइक। प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत भी इसको हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, किसी विषय, कार्य अथवा परिस्थिति में अर्जित ज्ञान द्वारा अन्य किसी कर्म, विषय अथवा परिस्थिति में लाभ प्राप्त होना, ये क्या कहलाता है, अल्पकालिक स्मृति, दीर्घकालिक स्मृति, अनुसरण या अधिगम अंतरण। तो इसे हम क्या कहते हैं, अधिगम स्थानांतरण, यानी कि ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो एक जगह पर आपने जो ज्ञान सीखा, जैसे कि आपने गणित के जो भी ज्ञान सीखे हैं, गणित में आपने जो भी गणित की संक्रियाएं, जोड़ घटाना गुणा भाग, जो भी चीजें आपने सीखी हैं, अगर उसी का प्रयोग आप क्या करें, भौतिक विज्ञान में जो सवाल पूछे गए हैं उनको लगाने में, आप इन्हीं सारे चीजों का आप प्रयोग कर रहे हो जो आपने गणित विषय में सीखा है, इसका प्रयोग कहीं और आप कर रहे हो, तो यह क्या हो रहा है, किसी और विषय में आप कर रहे हो, उसका मतलब अधिगम का स्थानांतरण हो रहा है। जैसे कि आपने साइकिल चलाना सीखा, फिर आपने स्कूटी चलाना सीखा, तो साइकिल चलाने का ज्ञान आपके स्कूटी चलाने के ज्ञान में भी मदद करता है। तो इस तरीके से एक जगह पर आपने जो ज्ञान सीखा है उसका कहीं अगर और आप उपयोग कर रहे हो तो ये क्या होगा, अधिगम का स्थानांतरण या ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। तो इस तरीके से टॉप 50 क्वेश्चंस आज यहाँ पर आप लोगों ने देख लिए, इस तरीके से भी अभी आपको 3 पार्ट पढ़ने हैं, और ये पार्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने क्या सीखा और कितनी चीजें आपको इसमें समझ में आई, और क्या आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ रही है, कहीं कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और वीडियो कैसा लगा आप लोग जरूर मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों इस वीडियो को अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को शेयर करना मत भूलिएगा, आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे हमारे चैनल से प्रशिक्षु जुड़ेंगे और इन सभी वीडियोस का लाभ ले पाएंगे। अगर चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर दीजिए, और बगल में बेल आइकन होगा उसको भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि जो भी नई वीडियोस हम बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय से जाए और आप बिना मिस किए हमारे सारे के सारे वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। एक बार फिर से आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो को पूरा देखने के लिए। आपको सारे के सारे वीडियोज की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। इस वीडियो की ये पूरा आपका जो बाल विकास सब्जेक्ट है इसके अतल उतरी क्वेश्चन को मैंने पहले ही करा दिया, तो उसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी। आप लोग प्लीज सारे वीडियोज को देखिए, और जहाँ कहीं कोई भी समस्या हमसे बताते रहिए।